तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट से हट चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम आईडी या इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट से कैसे हटाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मेरा प्रोफेशनल अकाउंट यहां पे खुला हुआ है, यानी कि ये मेरा इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट है। अब यदि आप इसको नॉर्मल अकाउंट करना चाहते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा थ्री लाइन का, आपको सिंपली थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। अंडर थ्री लाइन पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, आपको सिंपली सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, या फिर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये पेज आपके इंस्टाग्राम में ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले क्या होता था कि इंस्टाग्राम में आपको नीचे स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता था, आप उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को स्विच कर सकते थे। बट दोस्तों इंस्टाग्राम में नया अपडेट आने के बाद वो सेटिंग चेंज हो चुका है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स का, यदि आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सेटिंग रहेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है, और नीचे आने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच अकाउंट टाइप का, आपको सिंपली स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। तो आप यहाँ पे पर्सनल या फिर क्रिएटर अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको सेलेक्ट करने बाद दोस्तों अब आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, इसके नीचे आपको यहाँ पे सिंपली स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे फिर से क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, आपका यहाँ पे लोडिंग लेगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में स्विच हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ज्यादातर इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट या फिर नॉर्मल अकाउंट रहता है, उसी तरह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो जाएगा। अब यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी प्राइवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम आईडी या फिर अकाउंट को बिजनेस अकाउंट से हटा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।